नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज की डेट है 3 जुलाई 2020। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जो कि भारतीय शेयर मार्केट का बब्बर शेयर बनने का दम रखता है। जी हाँ दोस्तों, जितना माल उठाना है यहाँ पे उठा लीजिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, माल उतना ही उठाना कि आपके पास कैश भी बचे। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली बुल मार्केट फेस आप लोगों को लग रहा है, लेकिन करेक्शन 100% होगा। वहाँ पे जब करेक्शन होगा तब आपके पास कैश रहना चाहिए, तो कैश भी अपने पास बचा के रखिएगा और छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए आप लोग। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ जिसके कि फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने पास्ट में दिए हैं। मैं सारी सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2000 करोड़ रुपए का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। पहले भी मैंने बहुत सारे केमिकल स्टॉक आप लोगों को बताए हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे व्यूअर्स की कंप्लेन थी कि आप लोगों ने जो पैनी स्टॉक बताए हैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हमें एटलीस्ट 1000 करोड़ और 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनका मार्केट कैप हो ऐसा स्टॉक एक ढूंढ के लाइए और हमें बताइए। तो ये वो स्टॉक है, काफ़ी रिसर्च लगी है, मेहनत लगी है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए यहाँ पे इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 47 रुपये का, लेकिन मार्केट ऑन है और ये फ्लक्चुएट हो रहा होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या है। स्टॉक का पी अगर हम देखते हैं तो 9.5 के आसपास है, सिंगल डिजिट पी पे मिल रहा है। डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है भैया। डिविडेंड इनकम से क्या होती है, पैसिव इनकम जनरेट होती है और वो बेनिफिट पहुंचाती है हमें कई तरीकों से। शेयर मार्केट में जो अच्छे स्टॉक हैं अगर वो अच्छा डिविडेंड दे रहा है तो वहाँ पे एक तो वो आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करेगा और दूसरा आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा आपके लिए डिविडेंड के रूप में। तो आगे देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत हाई है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 से ज़्यादा का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21 से ज़्यादा का और सेल्स ग्रोथ है 3 सालों की 27 से ज़्यादा की। तो बहुत अच्छी कंडीशन में ये सारे के सारे रेशियो इस कंपनी के हैं, चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो और सेल्स ग्रोथ हो। कंपनी का नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टॉक में दम है कि आप लोगों को लाखों करोड़ों कमा के दे, बब्बर शेयर भारतीय शेयर मार्केट का बने, उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। करती क्या है कंपनी? कंपनीज प्राइमरली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स। तो ये कार्बन के मटेरियल बनाती है, केमिकल्स बनाती है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बात की होगी ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज की। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक रोज इंडस्ट्री जिस काम को करती है उसी तरह के केमिकल को ये कंपनी बनाती है। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने थैंक्स भी कहा था कि आपने सर हमें ये स्टॉक बताया और काफ़ी अच्छा मुनाफा हम लोगों ने यहाँ पे कमाया है। तो आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस को आगे लेके चलते हैं। कंपनी के ऊपर डेट भी है 399 करोड़ रुपए का। प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखी जाए तो हाई प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे, कैसे 48% की। स्मॉल कैप शेयर है, प्रमोटर को भरोसा है अपनी कंपनी पे और मैं थ्रीशोल्ड मानता हूँ 40% को, उससे तो काफ़ी ऊपर है ये। प्लेजिंग देख लीजिए, यहाँ पे प्रमोटर जो है कैश को अच्छे से काम में ले रहे हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है साथ ही साथ जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी से काम चला रहे हैं और प्लेजिंग करने की नौबत अभी तक कंपनी को आई नहीं है। वहीं बात कर लेंगे अगर हम इसके 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 161% की है 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ। पैनी स्टॉक में अगर आप लोगों को 161 प्रॉफिट ग्रोथ मिल रही है 3 सालों की, तो कहाँ से ऐसा मिल जाएगा स्टॉक आपको। अगर वहीं बात करते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 सालों का, तो 13 से 14% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें हम 5 सालों की, तो लगभग 11.5% के करीब है। तो ये सारे के सारे रेशियोज़ मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं कंपनी का थोड़ा सा आप लोगों को करंट प्राइस बताना चाहूँगा। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है अभी 48.50, लगभग 48 रुपए के करीब। और साथ ही साथ मैं कंपनी के आपके कुछ रेवेन्यू जनरेशन और नेट इनकम बताना चाहूँगा कि कितनी स्ट्रांगली ये कंपनी काम करते चली जा रही है। अगर टोटल रेवेन्यू देखा जाए 2017 में तो 1348 करोड़ रुपए का, 2018 में देखा जाए तो 2033 करोड़ रुपए का और 2019 में देखा जाए तो 2430 करोड़ रुपए का। यहाँ पे कई सारे लोगों की कंप्लेन रहेगी कि 2020 का डाटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, तो
2020 का डाटा जैसे ही अपडेट होगा आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेट इनकम देखें 2017 की तो 82 करोड़ रुपए की है, 2018 की है 247 करोड़ रुपए की, और 2019 की है 324 करोड़ रुपए की। तो इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू, नेट इनकम ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो दोनों के दोनों जगह पे ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अर्निंग पर शेयर के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2017 का अर्निंग पर शेयर 2 रुपए के आसपास था, उसके बाद अगर देखा जाए तो 6 रुपए के आसपास है 17 का, सॉरी 18 का, और 19 का देखा जाए तो 7.75। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर साल दर साल कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कंपनी के मार्केट प्राइस से ज़्यादा की है, और एफडी से ज़्यादा रिटर्न ये कंपनी जनरेट करके देती है। तो ये तो रही कंपनी की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के बारे में बात हुई है। कंपनी के कुछ रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी ने रिटर्न्स किस तरह से जनरेट करके दिए हैं पिछले 5 सालों में। तो आप लोगों को लो जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 5 साल पहले 16 रुपए का ये शेयर था, और इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था 187 रुपए का, तो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स के रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है मात्र 3 सालों में। तो 1200% का रिटर्न बहुत हाई परसेंटेज होता है मात्र 3 सालों में। अगर कोई पैनी स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि काफ़ी दम है इस स्टॉक में। लेकिन उसके बाद ये करेक्शन का फेज़ शुरू होता है। अब कई लोगों की क्वारी रहती है कि ये करेक्शन का फेज़ क्यों शुरू हुआ। मैं हमेशा से कहता आया हूँ 2017, 18 और 19 ये 3 सालों के बीच का जो पीरियड था वहाँ से स्मॉल कैप शेयर जो हैं गिरना शुरू हो गए थे, और इस तरह से वो गिरे हैं कि आज की डेट में बहुत लो लेवल पे वो पहुंच गए हैं, जहां से कि उनको अगर बाइंग किया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से बनाया जा सकता है। तो ये तो रहा इसका 5 साल का चार्ट। मैक्सिमम चार्ट एक बार लगा के देखते हैं कि किस तरह से इसका मैक्सिमम चार्ट दिखता है हम लोगों को। तो ये देख लीजिए, छोटा सा शेयर था, 2 रुपए का शेयर, आज की डेट में 47 में मिल रहा है, और लगभग ये गया था 182-183 पे। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दी है। अब इस कंपनी के कुछ प्रो एंड कॉन्स हम देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ कि अच्छे से दिखाई दे आपको। कॉन्स तो कुछ है नहीं इसकी, मतलब क्वालिटी ही क्वालिटी है इस कंपनी के अंदर, खराबी कुछ है ही नहीं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, देख लीजिए कितनी अच्छी बात है। कोई कंपनी अगर छोटी सी कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है, इसका मतलब कितने एफिशिएंटली वो अपने ऑपरेशंस को काम में ला रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बुक रेशियो चेक करना, बुक टू प्राइस रेशियो इसको कहा जाता है। ये 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बुक वैल्यू से, करंट प्राइस जो रहता है। सारे के सारे जो बड़े इन्वेस्टर है वो यही सिखाते हैं कि 1.5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे उससे सस्ता मिल रहा है। कंपनी हैज गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50% ओवर 5 ईयर्स। देख लीजिए मैंने कहा था 3 साल की उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 161% की है, और 5 सालों की अगर देखी जाए तो वो 50% से ज़्यादा की है। तो जो कंपनी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है, हिमाद्री स्पेशियल्टी केमिकल लिमिटेड कंपनी का नाम है। मैंने कंपनी का नाम पहले ही आप लोगों को बताया था। अब मैं इस कंपनी की दिग्गज कंपनियों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, 2-4 दिन पहले मैंने एक छोटी सी कंपनी आप लोगों को बताई थी, आंध्रा पेट्रोकेम लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है। और वाकई में ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये दम रखती हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री बनने के लिए, आरती इंडस्ट्रीज बनने के लिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज बनने के लिए, इतना इनके अंदर दम है। जिस तरह से इनके रेशियोज हम लोगों ने चेक किए हैं, आप लोगों को मैंने खुद दिखाए हैं प्रैक्टिकली, और बाजार का ये बब्बर शेयर बनेगा। और यहाँ पे आप माल उठाइए, दबा के आप लोग माल उठा सकते हैं। पहले ही मैंने इस कंपनी के आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग भी और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया अगर देखा जाए तो छोटी कंपनी में जनरली आप लोगों को FII और DII का इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं एक कंपनी आप लोगों को ऐसी दिखाऊं जहां पे कि DII अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा वो स्टॉक? ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को वो स्टॉक अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ देखेंगे अगर मार्च 2020 में, तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 49% की शेयर होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 46% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट के यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं है। FII ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, देख लीजिए FII केवल वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनको सेफ लगता है, और यहाँ देख लीजिए आप उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 1.69% जो
शेयर होल्डिंग है वो FII के पास है। DII की अगर बात करें तो DII के पास है 2.76% की शेयर होल्डिंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2017 दिसंबर के बाद वो रेगुलरली और कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स पे ये खरी उतरी है कंपनी। कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और यहाँ पे आप लोग माल उठाते रहिए छोटे छोटे अमाउंट में और पैसा भी बचा के रखिए करेक्शन फेज के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।